Triegel gerade die wird ist kabari, hä? स्वागत है एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी, तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ लेकिन ये ब्लॉग जाएगा 2 जनवरी को। तो बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग क्या क्या करोगे इस ईयर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। और मैं कुछ नहीं, अभी साल का जो है मेरा क्या क्या करना है वो प्लानिंग करूँगी। और एंजॉयमेंट का कुछ नहीं, हम लोग डिनर के लिए थोड़ा सा बाहर जाएंगे। अभी मैं हूँ किचन में, आज अभी डिनर के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अलग काम कर रही थी, मैं क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि मुझे जो मेरा जो किचन है वो पूरी तरीके से चेंज करना है। मतलब जो नए कंटेनर्स मैंने ऐड करना है और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है क्योंकि मुझे भी वहाँ खाना बनाने में अच्छा लगे। और न्यू रेसिपी बनाऊंगी, न्यू ट्राई करूंगी, कुछ किचन को मैं सजाना चाहती हूँ। तो मेरी तो न्यू ईयर की शुरुआत ऐसे ही हो रही है। और कल से 2 जनवरी से मनवा का भी स्कूल शुरू हो रहा है, तो आज का ही दिन था मेरे पास, तो वही मैं कर रही थी दिन भर। और थोड़ा सा मैं किचन को अगर चेंज करूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हम चेंज करते रहते हैं घर में तो अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश फील होता है, तो वही मैं करूंगी। कल से फिर से सुबह का वो रूटीन शुरू हो जाएगा। और डिनर के लिए तो जाएंगे ही, लेकिन बहुत टाइम है, अभी बजे है 6:30, तो 9:30 बजे जाएंगे, तब तक मैं यही काम करूंगी ताकि कल से तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी कर लेती हूँ। और कल की भी प्रिपरेशन करके रखनी है, सुबह की जो सब्ज़ी बनानी है टिफ़िन में वो कट करके रखूँगी। और मनवा का जो यूनिफॉर्म है वो सारी चीज़ें अभी कल से फिर से शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। ब्लू कलर के सारे कंटेनर्स और ट्रे लेके आई हूँ मैं, तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन मुझे घर में करना है, कबर्ड में मनवा के जो कपड़े हैं वो, किचन पैंट्री, तो ऐसे बहुत सारे जगह है। तो ये ट्रे जो है या तो मैं किचन में यूज़ करूँगी या तो फिर नई ज़रूरत पड़ी तो कबर्ड में यूज़ कर लूँगी, या तो फिर राशन का सामान रखने के लिए, क्योंकि किचन में ऑलरेडी मेरे पास ट्रे है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने लिए थे, तो देखते हैं अभी। और ये सारे कंटेनर जो है ये सब दालें मसाले वगैरह सब रखूँगी इसमें, और छोटे वाले में जो खड़ा मसाला वगैरह आता है वो रखूँगी। तो इन्हें सबसे पहले वॉश कर लेना है मुझे। और ये जो ब्लू कलर के हैं ये ऑलरेडी मेरे पास थे, तो इन्हें भी वॉश करूँगी अभी। इसमें स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह रहते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस होंगे इसमें। पहले ये सारे जो है वॉश कर लेती हूँ ताकि कल तक ये सूख जाएंगे, तो कल मैं इसमें सारी सामान सारी चीज़ें भर लूँगी। और ग्रॉसरी लगभग ख़त्म हो रही है तो वो भी लानी है, तो उससे पहले मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी तो सामान रखने में आसानी हो जाएगी। और ये सब चीज़ें करते करते ध्यान में भी आता है कि कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी ख़त्म हो रही है, तो वो भी देखूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन थे चाय के वो धो लिए हैं, और अभी ये सारे कंटेनर्स धो कर के रखूँगी। और नए ही है इसलिए इसे ज़्यादा घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है, साबुन से थोड़ा सा इसे वॉश कर लूँगी, ज़्यादा ख़राब हुए नहीं है। तो
सारे कंटेनर नए वाले वॉश हो गए हैं और कल मैं इसे रख दूंगी जगह पे। तो ऊपर वाले जो कंटेनर है उन्हें भी मैं थोड़ा सा वाइपिंग कर लूंगी ऊपर से, और ये शेल्फ भी मुझे क्लीन करना है। कर लेती हूँ सुबह की तैयारी। सुबह टिफिन में मुझे मनवा को भिंडी की सब्जी और रोटी देनी है, और बाद में चावल और वो बनाऊंगी, कोई तो करी बनाऊंगी कल। लेकिन टिफिन की तो तैयारी करके रख देती हूँ। ये धो के ली है मैंने भिंडी, और भिंडी उसे बहुत पसंद है, तो कल स्कूल का पहला ही दिन है तो उसने बोल के रखा था टिफिन में मुझे भिंडी ही चाहिए। तो ये आसान सी ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ, जो स्लाइसर होता है ककड़ी टमाटर जो हम स्लाइसर यूज़ करते हैं उसके लिए, तो उसी से भिंडी कट करती हूँ मैं। एक एक जैसी कट भी हो जाती है, लेकिन बीच बीच में देखना पड़ता है कि ये इसमें कीड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से जो देख के मैं भिंडी, इससे जल्दी हो जाती है, अब चाकू से करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये कहीं नेट पे ही मैंने देखा था ये ट्रिक, तो वही यूज करती हूँ। मैं ढक के फ्रिज में रख दूंगी, और मनवा का बैग भर के रखा है, बोतल भी भर के रखी है काउंटर पे, और अभी मनवा के जो यूनिफॉर्म है वो भी मैंने निकाल के रखा है, सॉक्स वगैरह सब कुछ निकाल के रखा है, रुमाल। तो फ्रेंड्स, बाहर जाने के लिए मैं जल्दी जल्दी जो है तैयार हो गई हूँ, और अभी हूँ गाड़ी में तो दिख नहीं रहा अच्छे से। तो मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो लो हो गई थी, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल से शूट कर रही थी। और यह 15 मिनट के ही दूरी पे एक होटल है, वहीं पे हम जाएंगे, क्योंकि हाईवे पे बहुत सारे होटल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूरी पे नहीं जाना पड़ता। स्टार्टर में हमेशा हम यही मंगाते हैं, मेरा चल रहा है फास्ट, तो ये दोनों खाएंगे नॉनवेज और मैं खाऊंगी वेज। मनवा को भी बहुत पसंद है नॉनवेज, तो वो भी खाती है कभी कभी, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। और मुझे वेज में जो पसंद है वो ही मैं मंगाऊंगी, तो मैंने मंचूरियन सूप मंगाया है, और मेरे जो हरा भरा कबाब होता है वो यहाँ का बहुत मुझे पसंद है, तो वो मंगाया है, तो मैं वेज ही खाऊंगी। वेज में भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटी का खाना यहाँ पर मिलता है। और अभी लास्ट गुरुवार है इस यहाँ आने वाला, अभी नेक्स्ट जो आएगा वो, तो उसके बाद मैं नॉनवेज खा सकती हूँ और घर में भी बना सकती हूँ, क्योंकि पूरा महीना जब गुरुवार था तो मैंने पूरा महीना नहीं बनाया है और बनाती भी नहीं हूँ घर में। जब पंकज को खाना होता है तो वो बाहर आके खाते हैं। अभी निकल गए हैं, लेट हो गया थोड़ा, 11 बज गए हैं, सुबह जल्दी उठना है, मनवा का स्कूल है, तो चलिए अभी फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो सुबह की तैयारी चल रही है अभी, तो आटा मैं गूंध लूंगी और साइड में रख दूंगी। आज बहुत लेट हो गया था, ठंडी के दिन है तो बहुत लेट हो जाता है उठने में, कितना भी हम काम को जल्दी से निपटने की कोशिश करें फिर भी ख़त्म ही नहीं होता काम, बहुत ही धीरे 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 चलता ही रहता है ये काम। ठंडी कब ख़त्म होगी ऐसा लग रहा है, अभी बहुत सारे काम जो है पेंडिंग पड़ जाते हैं। और भिंडी तो रात में मैंने कट करके रखी थी इसीलिए, तो जल्दी से फटाफट से बना देती हूँ ये मनवा का टिफ़िन, और उसके बाद पोहा भी बनाना है नाश्ते में, और चाय बनाऊँगी मैं, और उसके बाद मनवा को उठा के उसे तैयार भी करना है। तो ये सारी चीज़ें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है।
तो अभी मैं पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ और उसमें डाल रही हूँ ये शहद। तो ये पंकज को देना है, तो थोड़ा सा पानी जो है गर्म करके उसमें 1 चम्मच शहद डाल के वो हर रोज़ ये सुबह पीते हैं और नहाने के बाद में नाश्ता और चाय लेंगे। पहले तो हम प्रोटीन शेक वगैरह लेते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, ठंडी के दिन है तो चाय पीनी ही पड़ती है। यहाँ पर भिंडी तैयार है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और मनवा को भी मैंने तैयार कर दिया है, तो अभी रोटी बना लेती हूँ। मनवा का टिफ़िन भी अभी भर दूँगी और उसकी बैग भी भर दूँगी, बैग में रख दूँगी। और पंकज भी आ गए तो उनको नाश्ता दे देती हूँ और जल्दी से, अभी बहुत लेट हो गया तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ ये सारे काम। सो दोस्तों अभी अभी मनवा चली गई है और सुबह सुबह में क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी में मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, तो सुबह का थोड़ा वीडियो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अभी मनवा चली गई है, उसके पापा गए उसके उसे छोड़ने क्योंकि बहुत ठंड है, तो 4-व्हीलर लेके गए हैं। और रोज़ तो मैं जाती हूँ स्कूटी पे लेकिन ठंड की वजह से नहीं गई, और अभी मैं बाकी के जो काम है वो कर लूँगी। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी और नो अभी मैं बाकी के जो साफ़ सफाई का काम होता है सुबह का वो कर लूँगी और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।